तो जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना कि ये जो रियलिटी शो जीत के ये जो पैसे आए हैं ये सब इसका हुआ, ये रियलिटी शो के पैसे हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा कि ये फिल्म बनाएंगे और बाकायदा जो नॉर्मल होता है, जो लॉ होता है, उस हिसाब से मैंने इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। मेरे पास एग्रीमेंट है, मेरे पास सारे बच्चों के NOCs है। सी डांस प्लस किया है मैंने, मैं इन बच्चों को तब से जानता हूँ। इनका कुछ आइडिया नहीं है, इनके इंटरनल मामले हैं, इनका पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। यूजली प्रीमियर या फिर फिल्मों में मिलते थे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा आप लोगों से मुलाकात होगी, वो भी उनके लिए जिनके लिए पूरी ज़िंदगी दे दी मैंने। बट या सो हियर वी आर टू क्लेरिफाई समथिंग विच इज़ ओनली वन साइडेड, आप लोगों ने जो सुना है तो उसी के बारे में। तो ये जो सबसे पहले जो ये जो एलिगेशन है जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि 11 करोड़ 96 लाख का जो चल रहा है, इसमें मेरा और लिजेल का कोई लेना देना नहीं है और ना ही रेमो डिसूज़ा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का कोई लेना देना नहीं है। ये मुझे बहुत अफसोस और फीलिंग वेरी सैड कि कैसे कुछ सोशल मीडिया और कुछ मीडिया वालों ने जस्ट बिना कुछ फैक्ट जाने सिर्फ ये नाम ले लिया है कि भाई हमने ये फ्रॉड किया है, जबकि इफ़ यू रीड द एक्चुअल मैटर उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो जो 11 करोड़ 96 लाख है वो मेरे ऊपर नहीं है, वो उनके बीच में जो लड़ाई हो रही है, जो ये जो आप लोग ने सिर्फ नाम सुने हैं कि रेमो डिसूज़ा एंड लिजा डिसूज़ा एंड फाइव कितने और सेवन अदर्स, सेवन अदर्स तो सेवन अदर्स कौन है? आप लोगों ने कोई किसी ने सोचा नहीं कि क्या है, क्या पता करें कि नहीं पता करें। वो साथ को भूल के आपने सिर्फ मेरा और मेरी बीवी का नाम ले लिया है और कुछ फैक्ट चेक नहीं किया आप लोगों ने। तो बेसिकली ये मामला है, वी अनबीटेबल एक ग्रुप है जो मेरे शो में आए थे डांस प्लस सीज़न 4, उसमें ये लोग पार्टिसिपेंट थे और इन लोगों ने वहाँ पे डांस किया था, तब से मैं इनको जानता हूँ। और ये ग्रुप जो है ये आगे जाके डांस प्लस में जितना नाम कमाया इन लोगों ने उसी बेसिस पे उनको अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट मिला, जो जाके वहाँ पे किया इन लोगों ने। दो बार गए थे ये लोग, पहली बार जीते नहीं थे, दूसरी बार ये जीते थे और इनका एक ग्रुप था वी अनबीटेबल। अब क्या हुआ कि ये जब वापस आए तो इनके बीच में हर ग्रुप का प्रॉब्लम होता है। मैं इतने सालों से डांस कर रहा हूँ, मैंने इतने सालों से ग्रुप्स देखे हैं, वो उनके बीच में प्रॉब्लम होती है। इनका ग्रुप टूट गया और वो ग्रुप टूट गया तो वी अनबीटेबल अलग हो गया और दूसरा एक ग्रुप अलग हो गया। तो ये दोनों के बीच में जो दरार पड़ी, इसमें से जो अलग हो गए उन लोगों ने ब्लेम करना शुरू कर दिया वी अनबीटेबल के जो मेन आदमी है उस पर कि तुमने पैसे खाए। तो जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना कि ये जो रियलिटी शो जीत के ये जो पैसे आए हैं ये सब इसका हुआ, ये रियलिटी शो के पैसे हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये उनके बीच की बात है, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। सिर्फ लेना देना अगर हो है तो वो ये है कि क्योंकि मैं इनको डांस प्लस से जानता हूँ तो मैंने सिर्फ एक वीडियो बाइट दिया था जिसमें मैंने बोला था कि वी अनबीटेबल ये है बस। यस ऑफ कोर्स वी अनबीटेबल जब डांस प्लस के बाद मैंने कहा था कि यार ठीक है मैं डांस फिल्म बनाता हूँ, आप लोग सब जानते हैं ये ऐसा नहीं है कि पहली बार डांस फिल्म बना रहा हूँ, मैंने कहा था कि ये डांस फिल्म मैं बनाऊँगा आप लोगों के लाइफ के बारे में क्योंकि अच्छा एक जर्नी है। क्योंकि मेरे शो में जब इनकी कहानी निकल के आई मुझे अच्छा लगा और मैं ऐसे ही शोज़ के जो रियलिटीज़ होते हैं उसको मैं लेके मैं फ़िल्म बनाता हूँ। जब आप सभी ने देखा मेरी फिल्में तो मैंने कहा कि ये फिल्म बनाएंगे और बाकायदा जो नॉर्मल होता है, जो लॉ होता है, उस हिसाब से मैंने इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, मैंने अपनी तरफ से इनको पैसे दिए हैं। And I would like to comment on that because I have seen a video which says that after them winning the AGT, this is when they lost and they came back and they were very sad and depressed. That is the time Remo told them ki tum log daro mat, even if you've lost, I'll still make a film on your life and gave them 5,11,000. जब उनको कोई नहीं जानता था एट दैट टाइम। तो अब ये जो हुआ है, जो मैंने साइन करके उनको कहा कि ठीक है दे देंगे, मेरे पास एग्रीमेंट है, मेरे पास सारे बच्चों के NOCs है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई वो कर दिया है। और जो आप लोग सोच रहे हैं कि 12 करोड़ 12 करोड़, मेरा एक्चुअली मैं ऐसा हूँ नहीं और मैं
कहता भी नहीं ऐसे, बट जी बिल्कुल मिसयूज हो रहा है. इट्स आई डोंट नो, इट्स जस्ट दैट सैड दैट मीडिया, यू नो आई मीन वी हैव ऑलवेज गॉट सो मच लव फ्रॉम मीडिया, बट आई थिंक मीडिया देयर आर सर्टेन हाउसेस हु हैव जस्ट पिक्ड अप द हेडलाइंस एंड सेड ओके नाउ टू बिल्ड अ न्यूज हम रेमो लिजेल का नाम डालते हैं एंड दैट हैज बीन यूज्ड. एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू सर्टेन मीडिया हाउसेज बिकॉज पीपल हैव रीच्ड आउट टू मी एंड आस्क्ड मी एंड आई हैव सेड दैट दिस इज नॉट द ट्रूथ एंड दे हैव नॉट कैरीड फॉरवर्ड इट. मैं एडवोकेट सुमित खन्ना दीवानी एसोसिएट मिस्टर श्याम दीवानी के साथ काम करता हूँ. जो लॉ है लॉ के हिसाब से अगर कोई कंप्लेंट पुलिस में की जाती है तो उसको वो FIR में कन्वर्ट करते हैं. इससे सिर्फ प्रोसेस स्टार्ट होता है. अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी. इन्वेस्टिगेशन में अगर हमारे पास नोटिस आएगा तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स NOC एटसेट्रा भी बात हुई वो हम पुलिस में सबमिट करेंगे. इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करती है या क्लोजर एक फाइनल रिपोर्ट फाइल करती है जिससे पता चलता है कि किसके अगेंस्ट एलिगेशंस ट्रू साबित हुई एज पर पुलिस, किसके अगेंस्ट नहीं. तो हमारी पूरी उम्मीद है कि हम पहले भी कॉपरेट करते आए हैं. वी विल कॉपरेट टू द पुलिस, वी विल सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर देयर विद अस एंड विच वी बिलीव शुड आफ्टर डू कंसिडरेशन द ट्रूथ शुड कम आउट. सो अभी तक कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है. एज पर द प्रोसेस दे शुड सेंड अस ए नोटिस और टू ऑल एक्यूज्ड एंड आफ्टर दैट द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स. मेरा इनसे ऐसा कोई देयर इज नो कोलैबोरेशन कुछ नहीं है. इट्स जस्ट दैट हाउ वी नो यू गाइस सेम यू नो इट इज जस्ट अ रिलेशनशिप जो आई मीन विकास जो वी अनबीटेबल जिसके नाम पे था उसके डैडी आए और OP आया और उन्होंने बोला सर वी नीड योर हेल्प तो हमने एक बाइट दी है. अब वो भी सी वो जो बाइट भी अगर आप देखेंगे तो वो मेरा बिलीव है कि जो बाइट देखेंगे उसमें मैंने ऐसा किसी का नाम लिया नहीं है, मैंने किसी का ऐसा कुछ बोला नहीं है. बट वो वीडियो को लेके वो बहुत पता नहीं क्या कर रहे हैं. बट सी डांस प्लस किया है मैंने, मैं इन बच्चों को तब से जानता हूँ. तो मैं मेरा बिलीव है कि भाई जो मैं देखता हूँ और जो लॉ है कि अगर OP ओम प्रकाश जो है जो वी अनबीटेबल का जो उस टाइम पे हेड था तो मैं उसको जानता हूँ तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा. तो मैंने वही वीडियो दी है. बट अदरवाइज देयर इज नथिंग टू यू नो टॉक अबाउट. एंड वन मोर थिंग, इवन द किड्स हु हैव डन द थिंग उसमें से आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ किड्स हु डोंट इवन नो कि क्या हो रहा है एंड उनको सिर्फ खड़ा किया जा रहा है एंड एवरीथिंग. बट यू नो इट्स सैड बिकॉज यू नो दे आर किड्स एंड देयर इज समवन श्योरली बिहाइंड इट हु इज ट्राइंग टू मिस यूज रेमोज नेम एंड टेक कंप्लीट दिस थिंग अगेंस्ट हिम. नहीं नहीं नहीं, फिल्म बनाई नहीं थी, फिल्म बनाने वाले थे. तो फिल्म बनाने वाले थे उसी के लिए वो जो एग्रीमेंट की थी और जो इनिशियल जो अमाउंट होता है टोकन अमाउंट होता है वो मैंने दिया था. 5,11,000 रुपये का चेक दिया था इनको और इन सबको साथ में खड़े रख के दिया था. ऐसे नहीं कि मैंने किसी को छुपके से दिया या कुछ दिया, ऐसा कुछ नहीं था. सबको सामने खड़े होकर मेरे पास पिक्चर है, इन सब बच्चों ने वो चेक पकड़ा हुआ, वो सारे पिक्चर्स हैं, वो मैंने चेक इनको दिया था और पिक्चर बनाने वाले थे. बट देन उसके बाद ये इनका झगड़ा हुआ और इनके बीच में ये सब हुआ. वो चक्कर में इन लोगों ने ये सब कर दिया. अभी इनका कुछ आइडिया नहीं है, इनके इंटरनल मामले हैं, इनका पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं है. मुझे कुछ आइडिया नहीं है और मैं ना पढ़ता हूँ इन सब के बीच में और ना ही मुझे पढ़ना है इनके बीच में. मैं तो सिर्फ प्राइज मनी क्लेम आप लोगों ने किया, प्राइज मनी यही प्रॉब्लम है. ये मैं सबसे हाथ जोड़ के स्पेशली मीडिया आप लोगों से हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ कि फैक्ट्स चेक करो उसके बाद बात करो. आप लोगों को सिर्फ ये पता है कि मैंने लिए, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, ना ही मेरा कोई लेना देना नहीं है पैसे से. ये जो प्राइज मनी ये लोग जीते हैं या कोई भी कमाया ये इनका इंटरनल मामला है, इनके बीच का मामला है. मेरा और लिजल का और RDPL का कोई इससे लेना देना है ही नहीं. और मैं चाहता हूं कि मैं बच्चों का डांसर्स के लिए बहुत करता आया हूं, करता आऊंगा. तो मैं बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचता रहता हूं. अगर आप लोग ऐसा कुछ करेंगे तो मेरे साथ साथ ना जो बच्चों का फ्यूचर भी बनाना होगा वो भी नहीं बना पाऊंगा. आखिरी सवाल, आप लोगों का कहना है कि डिफेमेशन का मामला है, क्योंकि डिफेम किया जा रहा है, तो क्या आप लोग डिफेमेशन केस करेंगे उन लोगों के? यस श्योरली. देखिए पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए. जब चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट आएगी
इट विल गिव अस द ट्रूथ, उसके बाद क्या एक्शन लेना है वी कैन ओनली डिसाइड वंस इट इज. वी आर ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड आउट ट्रूथ बिहाइंड दिस, कि कोई तो होगा इसके पीछे. देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी फॉर श्योर, कुछ तो है. यू नो एक दिन ऐसा है कि हाँ रोल बताया गया बट आपने पढ़ा नहीं है वकार. हाँ नहीं नहीं ये देखो पहले मुझे एक बात बताओ, हम सब आप लोग मीडिया दिस थिंग यू ऑल नो एवरी शो यू ऑल कवर एवरी शो, कौन सा इंडिया का शो है कौन बनेगा करोड़पति के अलावा जिसका विनिंग अमाउंट 7 करोड़ रुपए है? मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो. लंबे समय का बता रहे हैं कि अलग अलग प्राइज नहीं बता रहे हैं वो सी एफ आई. अगर आपने पढ़ा होता तो अच्छी बात है कि आपने पढ़ा है, आपने डिटेल भी पढ़ा होगा. आपने ये पढ़ा है कि मेरा उसमें प्राइज मनी में मेरा कुछ लेना देना है? नहीं नहीं. तो वही चक्कर है कि आप लोगों में से किसी को आइडिया ही नहीं है कि पैसे के मामले में मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है. मेरा सिर्फ आप लोगों का मिलना और बोलना यही है कि ये जो 11 करोड़ का जो आप लोग मेरे को एलिगेशन लगा रहे हैं, हाँ मेरे को एलिगेशन लगा रहे हैं, दिस इज एब्सोल्युटली बेसलेस एंड फॉल्स. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें. 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद.